हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई सेल्फ मोनिका। और आज की क्लास के अंदर हम देखेंगे नेत्रिका, आईपीस। नेत्रिका वैसे क्या होता है? एक आवर्धक होता है जो कि प्रकाशीय यंत्रों में उसके अंग के एक अथवा अनेक लेंसों द्वारा बने प्रतिबिंब को देखने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी एक तरीके का क्या होगा, एक लेंस होता है जो भी एक तरीके के नहीं दो तीन लेंसों से मिलकर के बना होता है, जो कि क्या करता है, हमें प्रतिबिंब को देखने में मदद करता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी दोनों में ही नेत्रिका के आगे लगे अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। हम देख सकते हैं कि जब कोई भी यौगिक सूक्ष्मदर्शी हो, जैसे कि सूक्ष्म आपका होता है अथवा दूरदर्शी टेलीस्कोप होता है, तो उन दोनों में ही क्या होता है, नेत्रिका के आगे अभिदृश्यक लेंस, जिससे आप क्या करते हैं, प्रतिबिंब को देखते हैं, द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। और नेत्रिका की सहायता से ही प्रतिबिंब को देखा जाता है। अगर नेत्रिका नहीं लगाते हैं, आप नेत्रिका नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। और नेत्रिका में क्या होते हैं, बहुत सारे लेंस की आवश्यकता होती है, तब जाकर के नेत्रिका से क्या होता है, आपको प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तौर से दिख पाता है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि नेत्रिका है तो बहुल लेंसों की आवश्यकता, नेत्रिका में बहुत मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा लेंसों की आवश्यकता क्यों होती है, वो देखेंगे हम उसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि क्या आ जाएगा आपके पास, साधारण उपकरणों में एक अकेले उत्तल लेंस को नेत्रिका के रूप में उपयोग में लाया जा सकता है। यानी हम कौन से एक, अगर सिंपल सा आप उपकरण यूज़ करते हैं, तो उसके लिए तो हम एक अकेले उत्तल लेंस को नेत्रिका के रूप में उपयोग में ला सकते हैं। लेकिन एक ही लेंस को नेत्रिका के रूप में प्रयुक्त करने से निम्न कमियां रह जाती है। निम्न कमियां कौन कौन सी रहती है कि जो अगर आप अकेले लेंस से वर्ण विपतन के कारण श्वेत वस्तु भी क्या होती है, रंगीन दिखाई देती है। अगर आप अकेले लेंस उत्तल लेंस को प्रयुक्त करते हैं तो क्या होगा, आप एक वर्ण विपतन उत्पन्न होगा, और वर्ण विपतन होने से क्या हो जाएगा, जो आपकी सफ़ेद वस्तु होती है वो भी आपको क्या दिखाई देगी, कलरफुल दिखाई देती है। और कलरफुल दिखाई देगी तो हमें उसमें क्या हो जाएगा, वर्ण विपतन उत्पन्न होगा, यानी हमें प्रतिबिंब में वर्ण विपतन दिखता है। सेकंड कमी जो है वो हम देखेंगे कि क्या होती है, प्रतिबिंब में गोलीय विपतन उत्पन्न होता है। यानी आपकी जो भी वस्तु, इस दोष के कारण क्या होती है, वस्तु, सीधी वस्तु का नेत्रिका में प्रतिबिंब जो है वो वृत्ताकार दिखाई देता है। यानी जो भी वस्तुओं को आप देखोगे, अगर उसमें गोलीय विपतन हो रहा है, एक ही लेंस है, तो उसके कारण क्या होता है, वस्तु गोल दिखाई, वृत्ताकार दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि और कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीमित दृष्टि क्षेत्र, यानी आप एक फिक्स्ड क्षेत्र तक ही आप क्या कर सकते हैं, एक लेंस से देख सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दूरी तक या ज़्यादा क्षेत्रों में अगर वस्तुओं के प्रतिबिंब देखने होते हैं, तो उसमें हम एक लेंस का उपयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा, सीमित दृष्टि क्षेत्र होगा, यानी अकेले लेंस का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। एक लेंस का जो आप, उसकी जो देखने की कैपेसिटीज होती है कि वो कितनी डिस्टेंस तक देख सकता है, वो क्या होता है, एक फिक्स्ड लिमिट होती है उसकी, तो उससे लिमिट से ज़्यादा वो देख नहीं सकता। अर्थात आप कह सकते हो कि अधिक क्षेत्र की वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है एक लेंस से, और अधिक क्षेत्र की वस्तुओं को देखा नहीं जा सकता, इसलिए एक लेंस का उपयोग भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, नेत्रिका के लिए बहुल लेंसों की आवश्यकता होती है। अब हम देखेंगे एकल लेंस नेत्रिका की कमियों को दूर करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो एकल लेंस नेत्रिका की कमियों को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, तो वो देखेंगे हम। क्या होता है, एकल लेंस नेत्रिका के दोषों को एक से अधिक
या दो लेंसों की नेत्रिका के रूप में उपयोग कर निम्नानुसार दूर किया जा सकता है। यानी हम एकल लेंस नेत्रिका के दोष को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक से अधिक या दो लेंसों की नेत्रिका के रूप में उपयोग कर सकते हैं। दो लेंसों को या एक से अधिक और दो या दो से अधिक लेंसों को भी आप नेत्रिका के रूप में क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दो या दो नेत्रिकाओं दो लेंसों को नेत्रिका के रूप में प्रयोग करते हैं तो उनसे आपकी जो कमियां हैं वो कैसे दूर होंगी वो देखेंगे। पहले कमी जो आपकी थी वर्णविवर्तन आना, यानी श्वेत वस्तु भी क्या हो रही थी, कलरफुल दिख रही थी, तो वो कैसे हटाते हैं हम, उसके लिए देखेंगे कि वर्णविवर्तन को न्यूनतम करने के लिए क्या किया जाता है। दो लेंसों के बीच की दूरी डी को उनके फोकस दूरियों F1 वह F2, कौन सी फोकस दूरियां हैं, F1 व F2 के योग के आधे के बराबर रखा जाता है। यानी आप क्या करें, दो लेंसों के बीच की जो दूरी है D, उसको दोनों फोकस जो भी आप दो लेंस लेंगे उनके फोकस दूरियों के योग के आधे कर दो, उसके बराबर आकर उन लेंसों को रखो, तब आपका वर्णविवर्तन उसमें क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F1 + F2 / 2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब हमें वर्णविवर्तन के साथ साथ कौन सा विवर्तन भी हटाना है, गोलीय विवर्तन को भी कम करते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, गोलीय विवर्तन को न्यूनतम करने के लिए उत्तल लेंस के स्थान पर क्या करते हैं हम, उसको गोलीय विवर्तन को कम करने के लिए उत्तल लेंस के स्थान पर क्या लेते हैं, समतोलक लेंस लिया जाता है। यानी आप उत्तल लेंस नहीं लेते, और कौन सा लेंस लेना पड़ेगा आपको, समतोलक लेंस लिया जाता है। वह दोनों लेंसों के बीच की जो दूरी है डी, उनके फोकस दूरियों के अंतर के बराबर रखी जाती है। फिर आप क्या ले रहे हैं, उत्तल लेंस नहीं लेते हैं, समतोलक लेंस लेंगे, तो जो दोनों लेंस रहेंगे उनके बीच की जो दूरी होगी वो कैसे रखनी होगी आपको, उनके फोकस दूरियों के अंतर, यानी उनकी फोकस दूरियों का जितना डिफरेंस है उसके इक्वल आपको रखनी पड़ती है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि डी इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम, दोनों फोकस दूरियों के डिफरेंस के इक्वल, यानी F1 - F2। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि डी इक्वल्स टू क्या है, दोनों फोकस दूरियों के सम के आधे के इक्वल है। देन आप बोल रहे हो कि जो आप लेंस रख रहे हो वो कितने डिस्टेंस पे रख रहे हो, दोनों फोकस दूरियों के डिफरेंस के इक्वल रख रहे हो। तो डी और डी ये भी दो, ये भी डिस्टेंस है दोनों लेंसों के बीच की, ये भी दोनों लेंसों के बीच की डिस्टेंस है, तो हम दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप इक्वेशन 1 से क्या रख देते हैं, डी की वैल्यू रख देते हैं, क्या आ जाती है आपके पास, डी की वैल्यू F1 + F2 / 2 इक्वल्स टू F1 - F2। और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देते हैं, देन क्या आ जाएगा आपके पास, F1 + F2 = 2F1 - 2F2। अब आप क्या करते हैं, 2F2 को आप उधर लेके चले जाएंगे, देन क्या हो जाएगा, 3F2 हो जाएगा, और ये आपका जो F2F1 है वो F1 इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। देन ये 2F1 में से F1 माइनस हो गया, F1 बच जाएगा, और ये इधर 2F2 इधर चला गया तो 2F2 + F2 कितना हो जाएगा, 3F2। यानी आप कह सकते हो कि जो पहले लेंस की जो फोकस डिस्टेंस है, फोकस दूरी है, वो दूसरे लेंस की फोकस दूरी की कितनी होती है, 3 गुना होनी चाहिए। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो फोकस डिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, मतलब एक लेंस की जो फोकस डिस्टेंस है वो दूसरे लेंस की फोकस डिस्टेंस की 3 गुना हो, वो वाले लेंस आपको यूज़ करने चाहिए, जिससे आपका गोलीय विवर्तन और वर्णविवर्तन दोनों ही हट सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की नेत्रिकाएं यूज़ करते हैं, तो कौन कौन से टाइप्स की नेत्रिकाएं यूज़ करेंगे हम इसको हटाने के लिए, तो यहाँ देख सकते हैं हम, नेत्रिका में दो समतल उत्तल लेंस के एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख कर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी हम कौन से उत्तल लेंस यूज़ कर रहे हैं, समतल उत्तल लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रख कर के क्या नेत्रिका के अंदर उपयोग में लाए जाते हैं। इनमें से वस्तु की ओर वाले लेंस को अभी क्षेत्र लेंस तथा नेत्र की ओर वाले लेंस को नेत्र लेंस कहते हैं। यानी ये आपकी कोई वस्तु है और ये आपकी आँख है, तो यहाँ पर अगर आप कोई लेंस रखते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस अभिदर्शक लेंस अभिक्षेत्र
जो है आपका अभिक्षेत्र लेंस, इसके अभिक्षेत्र लेंस की वस्तु के ओर वाले लेंस को हम अभिक्षेत्र लेंस कहते हैं और नेत्र की ओर वाले लेंस को हम क्या कहते हैं, या नेत्र की लेंस, नेत्र के पास जो लेंस होगा उस लेंस को हम क्या कहते हैं, नेत्र लेंस कहते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि दोनों लेंसों के फोकस दूरी तथा उनके बीच की दूरी के आधार पर नेत्रिकाएं क्या होती हैं, चार प्रकार की होती हैं। दोनों लेंसों की फोकस दूरियाँ, यानी इस लेंस की फोकस दूरी और इस लेंस की फोकस दूरी यो तथा उनके बीच की जो दूरी है उसके आधार पर नेत्रिकाएं क्या होती हैं, चार प्रकार की होती है। चार प्रकार की कौन कौन सी होंगी हम देखते हैं यहाँ पर। पहली होती है आपकी कैलिनर नेत्रिका, दूसरी होगी आपकी हाइगेन नेत्रिका, थर्ड है रेम्सडन नेत्रिका और फोर्थ होती है आपकी गॉस नेत्रिका। वैसे तो बहुत सारी होंगी लेकिन अभी हमारे सिलेबस के अंदर चार नेत्रिका ही यूज हैं तो हम इनके बारे में ही एक्सप्लेन करते हैं। और इनसे इसमें क्या होता है, इसमें से वे नेत्रिकाएं जिनका प्रथम फोकस तल अभिक्षेत्र लेंस के बाईं ओर होता है, यानी इसका जब अगर इनमें से जिन नेत्रिकाओं का प्रथम फोकस तल क्या हो, अभिक्षेत्र लेंस के बाईं ओर हो, तो क्या होता है, धनात्मक नेत्रिकाएं कहलाती हैं, जैसे कि रेम्सडन तथा गॉस नेत्रिकाएं। तथा वे नेत्रिकाएं जिनका फोकस तल क्या हो, अभिक्षेत्र लेंस के बाईं ओर हो यानी अंदर की तरफ हो, तो उसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक नेत्रिकाएं कहते हैं या ऋणात्मक नेत्रिकाएं कहलाती हैं, जैसे कि हाइगेन नेत्रिका। तो इसमें आप क्या करेंगे, इन चारों नेत्रिकाओं को हम एक्सप्लेन करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें एंड आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया है। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें माय यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए आपके मोबाइल पे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।